पॉलिटिक्स के शहंशाह और ऐसी जगह से आते हैं जहां से कॉन्फिडेंस प्यार मोहब्बत छलकता है। मैं रवि किशन जी से रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज स्टेज पे आएं और हमारे प्रोड्यूसर्स भाइयों के साथ थोड़ा संबोधित करें। रवि जी थैंक यू फॉर कमिंग। रवि जी नमस्कार सभी को प्रणाम। आज नमस्कार मैम, कैसी हैं? अरे पूरी टीम बहुत ही शानदार टीम है यार। टीनू जी, मास्टर जी हैं, निशांत बाबू हैं प्रोड्यूसर के रूप में, मैम हैं, राजकुमार पांडे जी हैं, विनोद गुप्ता जी हैं, सुनील रूपना जी हैं, अशोक भैया हैं, अशोक पंडित जी और अभय भैया, रत्नाकर जी हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल। और ये लोगों ने भोजपुरी सिनेमा के लिए इतना कुछ किया, हिंदी सिनेमा के लिए किया, बहुत अच्छी टीम। और अभय भैया के बारे में मैं क्या कहूँ, अभय जी, अभय सिन्हा जी को मैं 2002 से जानता हूँ। राजकुमार पांडे जी भी आए हैं, स्वागत इनका। तो मैं इनको 2002 से जानता हूँ और मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानता हूँ कि जब भोजपुरी सिनेमा बन रहा था तो इन्होंने हम लोगों का काफ़ी साथ दिया। आज ये यहाँ पे एक भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक जायंट हैं, एक बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर के रूप में, एक मददगार के रूप में, एक छोटी सी इंडस्ट्री के साथ लेके चले, छोटे छोटे टेक्नीशियंस के रूप में कभी डिफॉल्टर नहीं रहे, उन्होंने बहुत सम्मान दिया। और ऐसे व्यक्ति अगर आज खड़े हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, तो अच्छा ही सोचेंगे एक इंडस्ट्री के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, फर्टिनिटी के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा व्यक्ति जो इसका जानकार हो। और उन्होंने मेरे साथ ही करीबन 14-15 फिल्में बनाई थी और इन्होंने करीबन 100 से ज़्यादा फिल्में बनाई होंगी। इनके पास अनगिनत फिल्मों के राइट्स हैं, इनका पैरफ इंडिया, इनका लंदन में भी सेटअप है, वहाँ पे भी फिल्में बनाते हैं आजकल, ये यहाँ पे भी बनाते हैं, हिंदी सिनेमा भी बना रहे हैं भोजपुरी के साथ साथ। तो अभय जी के लिए मैं ख़ास आया हूँ आप लोगों से, सब लोगों से निवेदन करने कि कृपया इनके, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके लिए हम पूरा, मेरी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री, जिसका एक मैं भी कलाकार हूँ, जिसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की, तपस्या की, हम सब ने मेहनत की, तो आज वो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और ये सबके सुख दुख में खड़े रहेंगे। मेन वही व्यक्ति की ज़रूरत है जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहे, कि अगर मैं रात में तकलीफ में हूँ, मैंने उनको फ़ोन किया तो मेरे लिए हैं, अगर मैं कहीं प्रॉब्लम में फंसा हूँ तो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और उसको सॉल्व करना इनको आता है। ये मैंने इनको देखा बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व करते हुए। तो अभय जी के लिए मैं, समस्त अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जिनकी वजह से आज मैं सांसद बना हूँ, जिस इंडस्ट्री ने मुझे पाला, जिस इंडस्ट्री ने रवि किशन को एक भीड़ में से निकले व्यक्ति को पहचान दी, मेरी कोई पहचान नहीं थी। गाडा साहब भी हमारे साथ, जयंती भाई भी बैठे हैं, नमस्कार जयंती भाई। जयंती भाई के साथ भी मैंने इशक की भी आरआर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बिगेस्ट हमारे साथ हमारे, मैं चाहूँगा जयंती भाई जी आज टाइम के, हमारे भाई भी, प्रवीण भाई भी आए यहाँ पर और गणेश जैन जी भी आए, मैंने तीनों के साथ काम किया और मैं ये खास आप तीनों को मैं स्वागत करता हूँ, जयंती भाई का, गणेश जैन जी का, प्रवीण भाई जी का। ये हमारे इंडस्ट्री के वो पिलर हैं जिन लोगों ने बहुत अच्छे से इस इंडस्ट्री को संभाला और उन्होंने बहुत, आइए स्वागत है, मनीष सिंघल जी दंगल से आए हैं, प्रवीण जी ने अभी टाइम को दोबारा ये शुरू किया, मैं बहुत, अरे आपको बहुत सारी शुभकामनाएं गणेश भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, वापस से आ गए, मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, टाइम वापस से रिवाइव हो गया और मैं आपके उस लॉन्च के लिए आज कल नहीं आ पाया था, मैं आज ये शाम को पहुँचाऊँ इस कार्यक्रम को, कल सुबह मैं गोरखपुर चला जाऊँगा, मेरे भाई का वो जैसे आपको पता है कि रिचुअल है उनकी, तेरे ही है, मैं बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारे दिग्गज हैं, सुरेंद्र पाल भैया, अनगिनत तो ऐसे चेहरे हैं जो बहुत दिग्गज हैं जो वहाँ बैठे हैं, कुछ लोग दूर हैं, मैं चाहूँगा सब लोग को प्रणाम, सबको मैं यहाँ पर बुला नहीं पा रहा हूँ लेकिन सबको यहाँ से प्रणाम कर रहा हूँ और इनकी मदद करें अभय जी के लिए, हम सब लोग यहाँ पर जुटे हैं। मनोज तिवारी जी भी आने वाले थे, उन्होंने मुझे संदेशा दिया कि वो किसी कारण से वो दिल्ली में फंस गए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं दी और मनोज तिवारी जी ने भी निवेदन किया है कि आप लोग कृपया इनकी, अभय जी की कल मदद करें और इनको एक मौका दें
एक प्रेसिडेंट के रूप में, और मौका मिलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो हर तरीके से सक्षम है। और आप इस मंच पर इतने दिग्गज लोग खड़े हैं, मैं इनके सामने क्या कहूँ, जिन्होंने इंडस्ट्री को खड़ा किया, जो अभी भी लेके चल रहे हैं इंडस्ट्री को, आज ऐसे लोगों के समक्ष मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा। मैं चाहूँगा कि प्रवीण भाई और जयंती भाई आप लोग दो दो शब्द कृपया आप लोग बोलिए। प्रवीण भाई ने हमारे साथ में बहुत काम किया है और आप इतने अच्छे आदमी हैं।